करना है, आपने इस तरह से फॉलो अप करना है। हम ये नहीं बताते कि पार्सल स्पीच किसकी कैटेगरी है, तो पार्सल स्पीच वर्ड की कैटेगरी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ वर्ड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, तो आप इजीली कह सकते हैं कि वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द कैटेगरीज टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली स्पीच के पार्ट। अब स्पीच के टोटल हमारे 9 पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस और आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा जो है सेकंड टॉपिक है, इंशाल्लाह उसकी हम मैं ब्रीफिंग आपको कल दूंगी। आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। इसी के साथ मैं आपका एक लिंक अटैच कर रही हूँ बच्चों, आपने उसको अच्छे तरीके से सर्च करना, अच्छे तरीके से देखना है। इंशाल्लाह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके क्वेश्चंस हैं, वो इसलिए मैं ब्रीफिंग नहीं कर रही, पहले मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा क्यूरियोसिटी हो कि आप देख सकें कि मैंने आपको जो आज का टास्क असाइन किया वो किस तरह से लगता है। फिर इंशाल्लाह कल पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल से सर्च करेंगे, और जैसे ही मुझे आपकी बुक अवेलेबल हो जाएगी फिर इंशाल्लाह फिर मैं आपको उस पर भी लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज हमने ग्रामर में आपको मैंने बताया लैंग्वेज का, लैंग्वेज के बाद मैंने कम्युनिकेशन पर फोकस किया, फिर कम्युनिकेशन के बाद मैंने वर्बल नॉन वर्बल के बारे में बताया, फिर मैंने बताया कि लैंग्वेज के जो 3 मेजर पार्ट है फोनोलॉजी, फोनोलॉजी के बाद ग्रामर, और फिर हमारा सिमेटिक मीनिंग्स सिस्टम, जिसको सिमेटिक सिस्टम को मीनिंग्स कहते हैं वो है। फिर उसके बाद मैंने आपको वर्ड का जो मेजर टॉपिक है वो स्टार्ट करवाया। वर्ड में ही वर्ड क्या है, वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट, स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट। और वर्ड किसकी कैटेगरीज में आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कैटेगरी है वर्ड की। सो इसके साथ ही मैं आपका जो लिंक अटैच कर रही हूँ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में एक्सप्लेन की, आप उसको देखें और अच्छे तरीके से लर्न करें। थैंक यू सो मच।